नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। तो जी हां दोस्तों, कावेरी इंजन को लेके जैसे कि हाल ही में खबर आई थी कि साफरान इस पे फिर से काम करने के लिए राजी है, उसके लिए कुछ टर्म और कंडीशंस साफरान ने रखी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कावेरी इंजन को अगले 1 से 1.5 सालों में रन कराया जा सके? तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कावेरी इंजन को अगले 1 से 1.5 सालों में प्रॉपर वर्किंग इंजन बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसमें वो बात नहीं रहेगी जो कि किसी इंडिजिनस प्रोडक्ट में होनी चाहिए। और वो जो इंजन जो अगले 1 साल में बनकर तैयार हो सकता है, उसमें साफरान द्वारा निर्मित M88 का कोर होगा, जिसका मतलब ये है कि ये एक जॉइंट वेंचर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा ब्रह्मोस है, ठीक उसी तरह से ये वेंचर बन जाएगा। अगर DRDO ऐसा चाहती है तो ये इंजन अगले साल तक तैयार होकर रन होने में सक्षम हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे बात करते हो, अगर इस तरह से आपको इंजन रन कराना है तो उसमें जो IPR होगा वो साफरान के पास जाएगा, और साफरान यही चाहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राफेल के ऑफसेट के अकॉर्डिंग कितना पैसा साफरान को इसमें इन्वेस्ट करना था और किस प्रकार का डील था ये उस टाइम 2014-2015 में जब राफेल को लेकर बात चल रही थी तब। तो 2014 में जब इस डील पे बात चल रही थी तो उस टाइम तक DRDO ने तकरीबन 2880 करोड़ रुपए कावेरी पे इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन फिर भी इसके हाई प्रेशर टर्बाइन और लो प्रेशर टर्बाइन, इन दोनों के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम इसके आफ्टर बर्नर फेज में भी थी। तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए DRDO का ऐसा प्लान था कि अगर हम राफेल खरीदेंगे और उसके साथ जो ऑफसेट होगा उस ऑफसेट अमाउंट में जिसे साफरान को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि साफरान M88 इंजन को बनाती है जो कि राफेल में लगते हैं, इसीलिए फ्रांस की 4 कंपनियों के साथ साथ साफरान भी अपना कुछ ऑफसेट अमाउंट इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली थी जो कि 250 मिलियन यूरो के बराबर था। तो DRDO का ऐसा प्लान था कि साफरान अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है कुछ ऑफसेट अमाउंट तो उसको हम कावेरी में इन्वेस्ट करवा लेंगे, और अगर वो ऑफसेट अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है तो IPR भी हमारे पास ही रहेगा। तो ये DRDO का उस टाइम का प्लान था। और उस टाइम के डील के अकॉर्डिंग तकरीबन जो 50% टेक्नोलॉजिकल वर्क शेयर है वो DRDO के पास रहने वाला था, और 50% के अराउंड ही साफरान के पास रहने वाला था, जिसमें DRDO मोस्टली कोल्ड सेक्शन पे काम करने वाली थी, मतलब कंप्रेसर सेक्शन पे, वहीं पे साफरान आपके जो भी हॉट कोर है उस पे काम करने वाली थी। लेकिन जब साफरान को लगा कि इस इंजन में जो ऑफसेट अमाउंट है 250 मिलियन यूरो उससे ज़्यादा लगने वाले हैं और इस इंजन में और भी पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो साफरान का टेक ये था कि हम अपना 250 मिलियन यूरो इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो रॉयल्टी है वो हमारी क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन ओरिजिनल डील के अकॉर्डिंग DRDO ने ऐसा प्लान किया था कि इसकी रॉयल्टी हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि जो वो अमाउंट है वो एक ऑफसेट अमाउंट है जिसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रॉयल्टी हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही 500 मिलियन यूरो और इन्वेस्ट करने को बोला गया DRDO को इस प्रोग्राम में, तो DRDO ने इस प्रोग्राम पे साफरान को वर्क करने से रोक दिया है अभी। तो बेसिकली ये कंडीशन सॉर्ट आउट हो सकती है अगर DRDO 500 मिलियन यूरो और इस पे इन्वेस्ट करती है तो उसके पास IPR भी आ जाएगा और ये इंजन सॉल्व हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ साफरान ऐसा प्लान कर रहा है कि वो अगर M88 का कोर इसमें लगा देता है तो उसके लिए एक मार्केट खुल जाएगा, जो कि साफरान के लिए बहुत सही है, लेकिन इंडिया के लिए डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी साफरान के ऊपर आने वाले दिनों में, जो कि इंडिया नहीं चाहता है। तो जहां तक बात है इस प्रोग्राम पे और आगे काम करने की, तो अगर कोई प्राइस नेगोशिएशन हो जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए ताकि DRDO रॉयल्टी को रिटेन कर पाए, तो ये इंजन जल्द ही बनके तैयार हो सकता है। और ऐसा बहुत पॉसिबल है कि तकरीबन 100 किलोन्यूटन के अराउंड ये थ्रस्ट डेवलप कर सके, जो कि TEJAS Mk-2 है उनमें डिप्लॉय किए जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर ये जो रुके हुए टर्म कंडीशन है उसको लेके साफरान और DRDO के बीच में बात बन जाती है। तो ये तो रही बात पहले ऑप्शन की। तो अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करते हो, जिसमें आप देखते हो कि GTRE ने इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेके इंडिया में एक मोनोपोली आप कह सकते हो बनाई हुई है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो GTRE इनवाइट कर सकती थी प्राइवेट फॉर्म्स को कि जो कोई भी प्राइवेट फॉर्म इस पर्टिकुलर इंजन को लेके सोल्यूशन लेके आएगा उसको इसके लिए टेंडर मिल सकता है, और कावेरी इंजन के लिए इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में एक बिडिंग प्रोसेस करा के इस इंजन को रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो फॉरेन टैलेंट को रिक्रूट नहीं कर सकते किसी भी एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं होती है। उनके पास जांच का एक मापदंड होता है जिसके अकॉर्डिंग वो फॉरेन टैलेंट को रिक्रूट करते हैं। तो GTRE ऐसा चाहती कि इंडिया में एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक सिस्टम बनाया जाए तो वो प्राइवेट प्लेयर को इन्वाइट कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आपको इस इंजन के सॉल्यूशन अगले 3 से 4 सालों में दे देंगे, जो कि पर्याप्त टाइम है TEJAS Mk-2 को प्रोडक्शन में जाने से पहले। तो इस इंजन को लेके मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 2020 के मध्य तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO फाइनल कॉल लेगी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जैसे कि आप DRDO का पक्ष सुन रहे हो कि वो रॉयल्टी नहीं देना चाहते हैं, वो इस इंजन पे काम करना चाहते हैं,
तो इन सब चीज़ों का अगर आप सुनते हो तो इस चीज़ का आपको एहसास होगा कि DRDO भी इस पे गिव अप नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनके भी सालों की मेहनत है ये। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि DRDO कौन सा रास्ता लेती है इस इंजन के रिवाइवल के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या ब्रह्मोस की तरह ही एक अप्रोच लेके M88 का कोर और बाकी के पार्ट्स DRDO के इस तरह का हाइब्रिड बना के इंजन को रन कराना अच्छा होगा, या फिर दूसरे देशों में जैसे इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मल्टीपल फॉर्म्स है आप देख सकते हो US में, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर को इन्वाइट करके इसके सॉल्यूशन के लिए पूछा जा सकता है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।